एक्मी का क्रड हमने बना लिया था, ट्रिगर भी बना लिया था, और सिर्फ सर्च बनाना रह गया था। अच्छा तो कंप्लीट कर लेते हैं आज हम जल्दी से उसको। अच्छा जितने लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये मैं पहले ही बता दूं। अच्छा ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारी ऐप में इस वक्त क्या बना हुआ है। हमारे पास एक एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है जो हम काफ़ी अरसे पहले हमने बनाई थी और उसको इंक्रीमेंटल वे में हम उसी को ऐड करते जा रहे हैं उसमें। ठीक है जी, एक्सप्रेस की एप्लीकेशन आ गई हमारे पास। उसमें हमारे पास ये एक ऑथ राउट है जिसके अंदर ऑथ की 4 APIs बनी हुई है हमारी। अच्छा एक हमारे पास है पोस्ट राउट, पोस्ट राउट के अंदर एक क्रड की 4 API बनी हुई है जिसमें पोस्ट को डिलीट क्रिएट और अपडेट करने की सारी APIs हैं। तो हम इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर जाते ही हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है। MongoDB का क्लाइंट यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया हुआ है। क्लाइंट तो मैंने दूसरी फाइल में इनिशियलाइज़ किया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है और इंपोर्ट करके यहाँ पे डेटाबेस और कलेक्शन इन दोनों का यहाँ पे कॉन्स्टेंट तैयार कर लिया है। और मैं क्या करता हूँ, नीचे जाके पोस्ट की API बनाता हूँ और इसके अंदर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पोस्ट करता हूँ। इसमें कोई वेक्टर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ये पोस्ट में मैंने कोई चेंजेस भी नहीं की हैं एक्चुअली। जैसे ये पोस्ट की API थी ये वैसी ही है। ठीक है, अच्छा इसी तरह गेट की API भी सिंपल है और पुट की API जो है वो भी सिंपल है। इसके अंदर भी कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिसका ताल्लुक वेक्टर सर्च वगैरह से हो। ये सिंपल MongoDB में जिस तरह से एडिट होता है ये सिंपल उसी तरह से हुआ हुआ है एडिट। ठीक है जी, एडिट को भी मैंने बंद कर दिया और जो डिलीट है वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से हुआ हुआ है जैसे होता है। अच्छा असल चक्कर कहाँ पे हुआ हुआ है, असल चक्कर ये हुआ हुआ है कि जैसे ही मैं इसको पोस्ट करता हूँ तो मैंने पीछे क्या किया हुआ है, एटलस के ऊपर एक ट्रिगर लगाया हुआ है। तो उस एटलस के ट्रिगर को ज़रा मैं देख लेता हूँ। MongoDB एटलस चलते हैं इसके ऊपर और यहाँ जाके मैं लॉगिन कर लेता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि इससे पहले जो मैंने ट्रिगर बनाया था उसकी अभी क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, तो मेरे पास एक क्लस्टर बना हुआ है जिसको क्लस्टर 0 का नाम दिया गया है। अच्छा और मैं अगर ब्राउज कलेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ डेटाबेस बने हुए हैं। 2 डेटाबेस है मेरे पास, एक CRUDDB के नाम से और एक सोशल स्टोरीज़ के नाम से। हमारे वाले में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, CRUDDB यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो CRUDDB के अंदर यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे मौजूद है और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर ना सिर्फ डेटा मौजूद है बल्कि इसके अंदर एक एम्बेडिंग के नाम से भी एक चीज़ मौजूद है जो कि हमने पोस्ट करते हुए इसके अंदर नहीं ऐड किया है। ये कैसे ऐड हो रहा है, ये ट्रिगर के ज़रिए ऐड हो रहा है। अच्छा तो चलते हैं हम वापस ट्रिगर के अंदर, डेटा सर्विस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मैं वापस मेन पेज पर आ गया और मेन पेज पर आने के बाद मैं ट्रिगर पर जाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने एक अदर ट्रिगर बनाया जो कि लास्ट क्लास में हमने तैयार कर लिया था। एक छोटा सा फॉर्म था वो हमने फिल किया, उसके अंदर उसने पूछा था कि भाई किस कलेक्शन में किस डेटाबेस में क्या ऐड होगा तो ये ट्रिगर चलना चाहिए। तो मैंने बोला भाई CRUDDB के अंदर और पोस्ट है ना हमारे पास CRUDDB के अंदर, हाँ पोस्ट जो है इस कलेक्शन के अंदर जब भी कोई नई चीज़ ऐड हो तो आपने इस ट्रिगर को चला देना है, रन कर देना है। इस ट्रिगर के अंदर जाके देख लेते हैं कि इस ट्रिगर के अंदर कोड जो है वो कौन सा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ये ट्रिगर बना हुआ है, इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, लेकिन मैं मॉडिफाई नहीं करूँगा, मैं जस्ट ये कोड देखने आ रहा हूँ। ठीक है, इस कोड के अंदर मैं क्या बोलता हूँ कि जी फुल डॉक्यूमेंट मुझे मिलता है इवेंट जब मुझे मिलता है, यहाँ पे जब कोई नया डॉक्यूमेंट ऐड होता है और ये ट्रिगर जब चलता है तो मुझे जो नया डॉक्यूमेंट ऐड हुआ है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिलता है। अच्छा अगर एडिट होगा तो भी मुझे मिलेगा, एडिट होगा तो भी ये ट्रिगर उस पर भी चलेगा। ठीक है, तो दोनों सूरतों में मुझे पूरा डॉक्यूमेंट मिलता है और मैं क्या करता हूँ OpenAI की API को हिट करता हूँ और वहाँ से एम्बेडिंग बना के मंगवाता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक नई की ऐड करता हूँ जो कि एम्बेडिंग के नाम से उसको मैंने किया हुआ ऐड और उसको वापस सेव करवा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ये एम्बेडिंग मुझे बन के मिल गई, OpenAI से बनवाई मैंने एम्बेडिंग और ये एम्बेडिंग बनवाने के बाद मैंने क्या किया, इसको वापस सेव करवा दिया। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट करके इसमें ग्लोबल वेरिएबल होता है, हमने डिस्कस किया था। कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने क्लस्टर 0 गेट किया, डेटाबेस गेट किया, कलेक्शन गेट किया और इस कलेक्शन के अंदर मैंने बोला कि जी अपडेट 1 और मैंने कहा ये ID है मेरी और ये नया आइटम मैंने इसमें रखवाना है। तो ये नया आइटम इसमें आ गया। तो अब क्या होगा, जब भी मैं कोई नई पोस्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसकी एम्बेडिंग बन के उसके अंदर आ जाएगी। अच्छा इसका हमने बेनिफिट भी जिक्र किया था कि जी अगर हमारे पास 2 या 3 एम्बेडिंग मुझे अलग अलग बनवानी है तो भी मैं वो कर सकता हूँ, जो कि पाइनकोन में पॉसिबल नहीं था। अच्छा जी, और यहाँ पर ये ट्रिगर का कोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।
अच्छा इस ट्रिगर के अंदर मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है, इन्वायरमेंट वेरिएबल मौजूद है, ठीक है। अच्छा ये इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि मैं हर क्लास के बाद जो की इस्तेमाल करता हूँ उसको मैं एक्सपायर कर देता हूँ, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है मेरे पास वर्क नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर की मौजूद है ना उसको अपडेट करना होगा जस्ट इसको अभी चलाने के लिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं वापस आऊँगा डेटा सर्विस पर, ठीक है। मैं वापस यहाँ आ गया, असल में जो ट्रिगर बनता है वो कहाँ बनता है, वो ऐप सर्विस के अंदर बन रहा होता है, ठीक है। ऐप सर्विस के अंदर बकायदा एक छोटी सी ऐप बनती है, एक छोटा सा सर्वर बनता है जिसके अंदर ये कोड चल रहा होता है। तो उस सर्वर के कोड में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। उस सर्वर के अंदर जाके ये ट्रिगर्स के नाम से मेरे पास क्या मौजूद है, ठीक है, एक एटलस ट्रिगर है इसका नाम इन्होंने रखा है, लेकिन असल में ये एक सर्वर है। तो इस सर्वर के अंदर मैं क्या करता हूँ, चेंज एनवायरनमेंट पे क्लिक करता हूँ मैं, नहीं एक्चुअली इस सर्वर पे मैं सिंपली भी क्लिक करता तो इसके अंदर चला जाता मैं, ठीक है। ये चेंज एनवायरनमेंट पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं इस पर सिंपली भी क्लिक करता ना, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रिगर के नाम पे क्लिक किया मैंने, बस ट्रिगर के नाम पे क्लिक करूँगा तो भी मैं इसके अंदर चला जाऊँगा, ठीक है। ये मैं ट्रिगर की ऐप के अंदर आ गया हूँ, ये एक सर्वर है छोटा सा, यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ के नाम से एक चीज़ मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, वैल्यूज़ के नाम से एक चीज़ मौजूद है, और यहाँ पे मेरे पास एक सीक्रेट है और एक वैल्यू है। ये हमने लास्ट क्लास में बनाया था, तो ये किस तरह बनाया ये आपको पता है। तो सीक्रेट वाले के अंदर जाके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये जो सीक्रेट है ना, इधर मेरी एपीआई की मैंने टाइप करनी है, जो पहले से लिखी हुई थी उसको इसने क्या कर दिया है, उसको रिडेक्टेड कर दिया। रिडेक्टेड का मतलब होता है कि वो चीज़ मौजूद है लेकिन वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगी, ठीक है। इसको रिडेक्टेड इसने किया हुआ है। अगर मैं शो का बटन दबाऊंगा तो ये शो भी नहीं कर रहा है इसको। अब इसको मैं मॉडिफाई कैसे करूंगा, अच्छा कुछ और लिख के मैं सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। अच्छा कुछ और लिख के सेव करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने जाके एक नई की ऑब्वियसली बनानी है, ठीक है। तो मैं ओपन एआई के डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं एक नई की बना लेता हूँ, ठीक है। नई की मैं बनाता हूँ, व्यू एपीआई कीज, और व्यू एपीआई की करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक की पहले से बनी हुई है, बट इस की को मैं देख नहीं सकता मुझे ऑब्वियसली। अब क्या करना पड़ेगा, एक नई एपीआई की बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को ऑब्वियसली रोकना पड़ेगा एक नई की बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले कि आप एक की का नाम लिख देता हूँ, मैंने कहा कि भाई डिलीट दिस की, ठीक है, क्योंकि मैंने बाद में इसको डिलीट करना है इसलिए मैंने ये नाम रखा है, ठीक है। बन के तैयार हो गई है, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए मैंने रोकी थी तो इतना पार्ट इसके अंदर नहीं किया होगा रिकॉर्डिंग में। तो ये मैंने की यहाँ पे से कॉपी कर ली है, लेकिन ये मेरे क्लिपबोर्ड के ऊपर इस वक्त मौजूद है। अच्छा, और इस ओपन एआई की जो की है उसको मैं कहाँ पे ले जाके लगा दूंगा, वो मैं इधर ले जाके लगा दूंगा, ठीक है। इधर मैं करता हूँ इसको पेस्ट, और पेस्ट करके मैं क्या कर देता हूँ इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, अब इसके अंदर इसको फ्रेश एपीआई की मिल गई है। अदरवाइज़ अगर मैं ये एपीआई की सही नहीं करता तो ये ट्रिगर मेरा फेल हो रहा होता, ठीक है। तो अब ये ट्रिगर मेरा फेल होपफुली नहीं होगा। अच्छा, इस एपीआई की मुझे एक जगह पे और भी ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा काम डेटा को डालने वाला काम हो गया, अब मैंने बनानी है सर्च की एपीआई। अच्छा, सर्च की एपीआई के अंदर जो है ना, मुझे ये आ गई मेरे पास सर्च की एपीआई, ठीक है। अच्छा, सर्च की एपीआई में मैंने क्या करना है, स्लैश सर्च की एपीआई हिट होगी और सर्च की मुझे की मिलेगी क्वेरी के अंदर, सही है ना, जो यूआरएल है उसके अंदर क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर मुझे क्यू करके चीज़ एक मिलेगी, ठीक है। तो बंदा एक्चुअली सर्च किस तरह से कर रहा होगा, बंदा कर रहा होगा https://baseurl.com, जो भी बेस यूआरएल होगा स्लैश सर्च, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू, और मिसाल के तौर पे कार, अगर कार लिख के बंदे ने सर्च किया तो बंदा इस तरह से इस एपीआई को हिट कर रहा होगा, ठीक है। इसका हमने रीज़न देखा था कि इसको हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली इसको हम यूआरएल में भी ऐड करते हैं पेज के, ताकि कल को कोई इस यूआरएल को कॉपी करके किसी को भेजता है तो उसके पास भी ये काम करे, ठीक है। हमने अभी राउटर्स वगैरह नहीं पढ़े, तो हम पढ़ेंगे जब ये समझ आ जाएगा कि इसको हम जो एपीआई हम एक्सियोस से हिट कर रहे हैं उसी को हम अपने यूआरएल में किस तरह से ऐड करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जब मुझे ये क्यू मिलता है ना, तो इसको मुझे क्या करना होता है, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना होता है सर्च करने के लिए, ठीक है। इसको मैं एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता हूँ, और फिर एम्बेडिंग में कन्वर्ट मार के फिर मैं MongoDB पर सर्च करता हूँ कि यार इस एम्बेडिंग से जो करीब करीब चीज़ है वो उठा के लेकर आओ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे OpenAI का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे यहाँ पे OpenAI का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने .env का फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर मेरे पास क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे सारे के सारे बने हुए हैं, ठीक है। इसमें मेरे पास एक मौजूद है OpenAI कि ये की मौजूद है, ठीक है। इक्वल्स करके अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ तो ये तो शो कर रहा है, अब ये कैसे होगा,
अच्छा ये पहले वाली जो की है ये तो वैसे भी एक्सपायर है ना, ठीक है, ये पहले वाली की जो यहाँ लिखी हुई है तो एक्सपायर की है, इसका तो इशू नहीं है, और पाइन कोन वाले वैसे भी फ्री है तो इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा अब मुझे कैसे करना है इसको, यहाँ पे मैंने, हाँ इसको मैं जूम करूँगा, ठीक है, ये मैंने ट्रिक लास्ट टाइम एक्सप्लोर की थी कि इसको मैं क्या करूँगा, ये तो मूव कर दे रहा है इसको, वेल अच्छा मैंने क्या किया था, मैंने स्क्रीन अपनी जूम कर दी थी, मैंने ये किया था, ठीक है, तो ये मैंने स्क्रीन जूम की है तो जिसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा ही दिखा है। चलो हाँ यार इतना इसलिए छुपा रहा हूँ मैं ताकि ये एक्सपायर भी करना पड़ता है मुझे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा वर्क फ्लो बन जाए कि मुझे उसको एक्सपायर ना करना पड़े, इसलिए मैं ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ छोटे छोटे। वेल तो आई एम नॉट श्योर कि वो पूरा दिख गया कि नहीं दिख गया, वेल अभी मैं उसको क्लास के बाद एक्सपायर वैसे भी कर दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा वर्क फ्लो बन जाए ना कि पढ़ाते हुए मैं उसको API की, क्योंकि एक ये टेंशन होती है कि उसको बार बार डिलीट करना, बार बार उसको रिवोक करना, क्योंकि मल्टीपल API कीज़ होती हैं, अब MongoDB की भी है, पता नहीं इसकी उसकी पाइन कोन की, पता नहीं किस किस की है ना। तो मैंने क्या कर दिया, इन्वायरमेंट वेरिएबल में यहाँ पे API की मुझे चाहिए, एम्बेडिंग बना रहा हूँ तो वो मैंने लगा दिए। अच्छा तो अब सर्च की API में सबसे पहले मैंने काम क्या करना है, सबसे पहले मैंने काम ये करना है कि उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एम्बेडिंग में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर बन के मेरे पास आ गया, वेक्टर को मैंने कॉन्सोल पे लॉग करवा दिया। वेक्टर में मुझे क्या चीज़ मिलेगी, एक एरे मिलेगा जो 1536 इंडेक्सेस का होगा, इसका 1536 इंडेक्सेस का होना ज़रूरी है, ठीक है, जो मैंने ट्रिगर में लिखा है वो भी एम्बेडिंग जो क्रिएट की है मैंने वो इसी तरह से की है, 1536 वाली की है, ठीक है, और ये वाला भी 1536 करके किया है। अच्छा यहाँ पे मैंने बताया नहीं है इसको, लेकिन OpenAI बाई डिफ़ॉल्ट क्या करता है, 1536 का ही बनाता है, ठीक है, उसके अलावा वो उसके अंदर ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो ये 1536 का यहाँ पे इंडेक्स एक आ गया, 1536 इंडेक्सेस का एक एरे आ गया। अच्छा अब मुझे क्या करना है, MongoDB के ऊपर क्वेरी चलानी है। अच्छा MongoDB के ऊपर जो पहले हम क्वेरी चलाते थे वो कलेक्शन डॉट फाइंड करके चलाते थे, सही है, कलेक्शन डॉट फाइंड करके अब की बार में नहीं चला रहा हूँ, अब मैं क्या चला रहा हूँ, कलेक्शन डॉट एग्रीगेट। अच्छा एग्रीगेट क्या चीज़ होती है, किसी भी डेटाबेस के अंदर जो एग्रीगेशन होती है ना वो ये होता है कि जी दो तीन क्वेरी आपने साथ मिला के भेजनी है ना अगर डेटाबेस के अंदर, और वहाँ से आपने उसका फिर कलेक्टिवली जो रिस्पॉन्स है वो मंगवाना है अगर, तो आप उसको ना एग्रीगेट करके करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने एग्रीगेट करके बताया है, ठीक है, वो आर्टिकल भी मैं एक दफ़ा ज़रा मज़ीद दिखा दूँ आपको, ठीक है, उसका नाम था एटलस वेक्टर सर्च, ठीक है, ये आर्टिकल है जो हम फॉलो कर रहे थे। तो इसके अंदर जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, इसी तरह से बताया हुआ है एग्रीगेशन के ज़रिए ना। आई एम नॉट श्योर कि एग्रीगेशन का यहाँ पे क्या फ़ायदा है, क्योंकि एग्रीगेशन हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब दो तीन क्वेरी होती है ना, तो अब अगर मैं सर्वर से क्वेरी चलाऊँगा तो एक क्वेरी चलाऊँगा उसका जवाब आएगा, फिर दूसरी चलाऊँगा फिर उसका जवाब आएगा, है ना, तो इसमें वो सिचुएशन तो नहीं है ऑब्वियसली, इसमें एक ही रिक्वेस्ट जा रही है और सीधा जवाब आ रहा है, ठीक है, तो ये हिसाब किताब, लेकिन स्टिल इन्होंने एग्रीगेशन का इस्तेमाल किया है। आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा होगा। तो एग्रीगेशन हम क्या करते हैं, जब दो तीन चार क्वेरी चलानी होती है और सर्वर पे ही डेटा को प्रोसेस करके हम चाहते हैं कि, यानी डेटाबेस के अंदर ही डेटा को प्रोसेस करके हम चाहते हैं कि जवाब आए और ज़रा बिजनेस लॉजिक उधर ही हाइड हो जाए सर्वर के ऊपर, यानी डेटाबेस के अंदर ही, तो हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो बताया है ना, अगर मैं इसके लास्ट में चला जाऊँ जहाँ पे इन्होंने क्वेरी लगाना बताया है, ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जी आप ना इसको, ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि जी आपने इसको एग्रीगेट करके सर्च करना है, तो हमने इसी तरह से इसको सर्च कर लिया एग्रीगेट करके। अच्छा आ जाते हैं वापस, तो ये एग्रीगेट में मैंने क्या लगाया है, एग्रीगेट में मैंने बोला है कि भाई करो आप सर्च, और सर्च किस पे करो आप, मैंने एक इंडेक्सिंग तैयार की है, ठीक है, उस पे मैंने कहा कि सर्च करो, मैंने क्या किया एक इंडेक्सिंग तैयार की है उसके ऊपर मैंने सर्च बोला, तो इंडेक्सिंग तो मैंने अभी तक बनाई नहीं है, आ जाओ बना लेते हैं। अच्छा वो भी इस आर्टिकल में इन्होंने बताया हुआ है कि ना सर्च करने से पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है ये जो कलेक्शन जहाँ पे है ना इसी के पड़ोस में एक सर्च आ रहा होता है, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जब हम जाते हैं ना कलेक्शन के पड़ोस में सर्च आ रहा होता है, यहाँ पे जाके वो कहते हैं इंडेक्सिंग बनाओ। अच्छा इंडेक्सिंग क्या चीज़ है ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग ये होती है कि किसी एक की को पकड़ के ना उसको सॉल्ट मार के वो स्टोर कर लेता है अंडर द हुड, तो जब इंडेक्स हुआ हुआ होता है कोई डेटा उसके ऊपर क्वेरी ज़रा तेज़ चलती है, ठीक है। अच्छा लेकिन ये इंडेक्सिंग जो है ज़रा मुख्तलिफ तरह की है,
ये इंडेक्सिंग जो है वो स्पेशली किस चीज़ के लिए बनाई गई है, ये वेक्टर के हिसाब से बनाई गई है। तो हम देखते हैं वो क्यों। अच्छा, ब्राउज कलेक्शन पे मैंने क्लिक किया, देखें कलेक्शन के बिल्कुल पड़ोस में सर्च लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं सर्च के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक पहले से बनी हुई है, असल में पहले से इसलिए बनी हुई है कि मैं मल्टीपल क्लासेस में ये चीज़ मैंने पढ़ाई है ना, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको मैं डिलीट इंडेक्स करके ना दोबारा से बनाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे बना है, ठीक है जी। डिलीट इन प्रोग्रेस है, इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा। अच्छा, तीन आप इंडेक्सेस यहाँ पे बना सकते हैं ना एक वक्त में। अच्छा चलो, हम एक नया इंडेक्स बना लेते हैं, उसका इसका नाम डिफॉल्ट है ना, इसका नाम क्या है, डिफॉल्ट है, तो हम इसका नाम कुछ और रख लेंगे। अच्छा, तो इसने कहा कि भाई इंडेक्स बनाने में क्रिएट करो और जेसन एडिटर पे जाओ, आर्टिकल में इन्होंने ये बताया है, ठीक है। आर्टिकल किधर गया हमारा, ये आर्टिकल ये खड़ा हुआ है, इन्होंने बोला क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक करो और जेसन एडिटर पे जाओ, और जेसन एडिटर पे जाने के बाद ना ये वाली बात पूरी वहाँ पे लिख दो। अच्छा, ये काम मैं क्लिक क्लिक से भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने जेसन खुद बना के दे दिया, उन्होंने बोला भाई यही है, हर दफ़ा इसी तरह होगा ये। नेक्स्ट किया मैंने जेसन एडिटर पे, तो ये जेसन एडिटर पे ना ये बना हुआ आ गया जेसन मेरे पास। अच्छा, मैंने कहा अच्छा यार इधर आओ और इसको पूरे को कॉपी करो, और कॉपी करके क्या कर दो, इधर ले जाके पेस्ट कर दो। अच्छा, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर ज़रा देख लेते हैं। मैपिंग्स लिखा हुआ है, ये इंडेक्स क्या होगा, डायनेमिक होगा, ये लिखा हुआ है। फील्ड, किस फील्ड के ऊपर लगाना है। अच्छा, आर्टिकल में इन्होंने जिस फील्ड पे लगाया उसका नाम है प्लॉट एम्बेडिंग, हमारे केस में हमने इसको चेंज कर दिया था, सिर्फ एम्बेडिंग कर दिया था, है ना, सिर्फ एम्बेडिंग, तो इसके ऊपर लगाऊंगा। डायमेंशन इसकी 1536, ये ओपन एआई से इसी तरह मिलता है, तो इसी तरह मुझे बनाना है। तो इंडेक्स के अंदर असल में मुझे ये बताना होगा कि जी 1536 ही मुझे चाहिए। सिमिलैरिटी जो है वो कोजीन है, जो ओपन एआई वाले रेकमेंड करते हैं, यही हमने देखा था उसकी जो ओपन एआई की एम्बेडिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें लास्ट पार्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि जी सिमिलैरिटी आपने ना कोजीन जो है वो यूज़ करनी है। इसके अलावा भी दो तीन है जो पाइन कोन में भी आ रहा होता है, जब हम बनाते हैं ना नया इंडेक्स तो वो पूछता है कि जी सिमिलैरिटी कौन सी यूज़ करनी है। अच्छा, और टाइप है KNN वेक्टर, ठीक है, यानी इस इंडेक्स की जो टाइप है वो वेक्टर है, तो बस ये हर दफ़ा इसी तरह होगा। ये आपने मतलब इसको बहुत ज़्यादा कोई दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हर दफ़ा इसी तरह होगा, और ये 1536 वगैरह ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। अच्छा, ये करने के बाद मैंने क्या करना है, हाँ इंडेक्स नेम डिफ़ॉल्ट है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ कि यार EMB इंडेक्स, ठीक है, इसका नाम मैं EMB इंडेक्स रख देता हूँ, या मैं वेक्टर इंडेक्स रख देता हूँ, सही है। अच्छा, वेक्टर इंडेक्स रख दिया नाम मैंने। एक चीज़ मुझे और पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है भाई किस डेटाबेस में यह काम करना है। मैंने कहा जी CRUD DB में करना है। अच्छा, फिर कह रहा है CRUD DB में किस कलेक्शन में करना है, मैंने कहा पोस्ट की कलेक्शन में। अब ये इनेबल हो गया, क्योंकि पोस्ट की कलेक्शन में ये हो रहा है ना ये काम, किसी दूसरी कलेक्शन में तो नहीं हो रहा, तो पोस्ट की कलेक्शन के अंदर ये इंडेक्सिंग हो रही है सारी, यानी पोस्ट की कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं अब उसको ये सॉर्ट कर लेगा। किसके तहत सॉर्ट कर लेगा, इस फील्ड के तहत, एम्बेडिंग जिस फील्ड का नाम है ना, इस फील्ड के तहत इसको ये सॉर्ट कर लेगा, और सॉर्ट करके एक दफ़ा सेव कर लेगा। कह रहा भाई एक नज़र देख लो आप आखिरी दफ़ा, रिव्यू कर लो। मैंने कहा ठीक है, देख लिया, क्रिएट इंडेक्स, ठीक है जी, क्रिएशन इसकी शुरू हो गई है, ऑल सेट, मैंने कहा क्लोज, और ये नॉट स्टार्टेड है अभी, थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ी देर में ये जैसे ही स्टार्ट होगा तो इस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, अब मैं जो क्वेरी चला रहा हूँ अपनी वो किस पे चला रहा हूँ, मैं इस इंडेक्स के ऊपर चला रहा हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं अपनी कलेक्शन के ऊपर क्वेरी नहीं चला रहा हूँ, मैं इस इंडेक्स के ऊपर क्वेरी चला रहा हूँ, ठीक है। नॉट स्टार्टेड ही अभी तक शो हो रहा है इसके अंदर, योर इंडेक्स बिल्ड इज नाउ इन प्रोग्रेस, ठीक है जी, ये चलना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इनिशियल सिंक कुछ कर रहा है, पता नहीं। वेल, तो अब हमने क्या करना है, वापस हम अपने इस पे आ जाते हैं। इंडेक्स का नाम मेरा आप क्या है, वेक्टर इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स का नाम मैंने लिखा है कि जी किस पे चलाना है, मैंने इस पे चलाना है। अच्छा, उसके बाद KNN बीटा मैंने दिया है कि सर्च जो मैंने करना है वो उसका क्राइटेरिया है। अच्छा, ये भी फिक्स रहेगा हमेशा ना, यानी KNN बीटा लिखूंगा मैं और वेक्टर करके मैं वो एम्बेडिंग पूरी दे दूंगा, जो अभी बंदे ने लिखा है ना कार लिखा है, बंदे ने अभी जो कार लिख के भेजा है, तो कार की जो एम्बेडिंग तैयार हुआ है, वेक्टर तैयार हुआ है, वो मैं इधर पास करूंगा, सही है। अच्छा, उसके बाद पाथ ये पूछ रहा है कि यार कौन से वाले पे, कौन से वाली चीज़ के ऊपर चलाना है ये, तो
जो मेरा नाम है उसका वहाँ पे, उसका नाम एम्बेडिंग है, जो मेरी वैल्यू है ना डेटाबेस के अंदर उसकी ना, उसका नाम एम्बेडिंग है। मैंने कहा भाई वेक्टर सर्च मारो इस वाली फील्ड के ऊपर, ठीक है, इस वाली फील्ड के ऊपर। और जो के है, जो ये 10 मैंने लिखा है, ये क्या है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो उसमें के टॉप बोलता था ना पाइन कोन के अंदर, ये वही वाला के टॉप है। तो ये के आ गया मेरे पास। तो मैंने कहा कि ये लो मेरा वेक्टर, सर्च मारो जाके एम्बेडिंग वाली फील्ड पे, ठीक है। एम्बेडिंग वाली फील्ड एक दफ़ा और दिखा देता हूँ, अगर कोई मिस कर गया इस चीज़ को। तो मैं कहा जब कलेक्शन में जाऊँगा ना, तो ये क्रट डी बी के अंदर ये इस फील्ड पे मैं चलवा रहा हूँ, टाइटल टेक्स्ट क्रिएटेड ऑन, और उसके बाद एम्बेडिंग है। तो मैंने कहा इस एम्बेडिंग पे जाके मैच करो, ठीक है, इस एम्बेडिंग के ऊपर जाके मैच करो। मैंने कहा ये लो मेरा वेक्टर और इस एम्बेडिंग पे मैच करो, जो करीब तरीन है उठा के ले आओ। अच्छा ये हो गया जी। अच्छा स्कोर डिटेल्स भी मैंने कहा ट्रू, स्कोर डिटेल्स भी मुझे चाहिए। अच्छा ये पूरा मुझे बना के किसने दिया है, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये इसी तरह होगा। अच्छा फिर मैंने देखो एक क्वेरी तो दी है ये। अच्छा आर्टिकल में उन्होंने एक ही क्वेरी देना बताइए, नीचे जो दूसरी कॉमा लगा के मैंने दी है ना, ये मैंने खुद दी है। अच्छा इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने प्रोजेक्शन लगाई है ना, क्योंकि जब मैं सर्च मारूंगा ना तो पूरा ऑब्जेक्ट उठ कर आएगा। हालांकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, एम्बेडिंग इटसेल्फ मुझे नहीं चाहिए। एम्बेडिंग इतना बड़ा एरे आएगा हर दफ़ा तो वो मेरे लिए बेकार है, उसकी फ्रंट एंड पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई प्रोजेक्शन लगाओ। प्रोजेक्शन सब लोगों को पता है, मोंगोडीबी में प्रोजेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्शन ये होता है कि जब हम कोई क्वेरी चलाते हैं ना, तो उसके रिस्पॉन्स में जो पूरा ऑब्जेक्ट आता है, हम अगर ये चाहते हैं कि कोई एक चीज़ उसमें से ना आए, तो हम उसको प्रोजेक्शन में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। या हम चाहते हैं कि यार फला फला चीज़ है, मिसाल के तौर पर मैं यूज़र गाइड करता हूँ ना, डॉट फाइंड चलाता हूँ यूज़र पे, और मैं कहता हूँ यूज़र का ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे लागे, तो बस कुछ और चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो वो प्रोजेक्शन करके मैं बता रहा होता हूँ, ठीक है। नॉर्मल क्वेरी में प्रोजेक्शन कैसे चलती है वो अभी दिखा देता हूँ मैं। तो ये प्रोजेक्शन यहाँ पे मैंने लगा दी एक छोटी सी। मैंने कहा भाई प्लॉट एम्बेडिंग जीरो कर दो, यानी प्लॉट एम्बेडिंग मुझे नहीं चाहिए। अच्छा प्लॉट नहीं होगा इसका, सिर्फ एम्बेडिंग है ना, मैंने नाम चेंज किया है। मैंने कहा एम्बेडिंग वाली जो फील्ड है ना वो नहीं चाहिए मुझे। अच्छा फिर मैंने कहा स्कोर जो है ना, यानी स्कोर डिटेल, क्योंकि मैंने ट्रू किया ना, तो स्कोर डिटेल भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने कहा स्कोर जो है ना उसको आप क्या करो, वो सर्च स्कोर उसके अंदर दिखाओ मुझे स्कोर के नाम से। और सही है, तो सिर्फ इतना पार्ट भी अगर आपको समझ आ गया ना कि एम्बेडिंग जीरो, तो प्रोजेक्शन आपको समझ आ गया, ये नीचे वाले समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये मैं सर्च चलाऊंगा तो ये इंशाल्लाह काम करेगा। अच्छा ये जो है, मैंने कहा कलेक्शन डॉट एग्रीगेट और जो भी कुछ इससे बनता है डॉट टू एरे लगा दिया मैंने, जो फाइंड पे भी मैं टू एरे लगाता हूँ लास्ट में, फाइंड की क्वेरी आप सबने पढ़ी है। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट बन के आता है ना इसके अंदर, वो इस वेरिएबल में आ जाता है डॉक्यूमेंट। मैंने कहा कि जी वेरिएबल ना पूरा फ्रंट एंड पे भेज दो आप एज इट इज़, ठीक है। ये वेरिएबल क्या कर दो, पूरा का पूरा फ्रंट एंड पे भेज दो एज इट इज़। तो देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा लेकिन उससे पहले मैं प्रोजेक्शन ज़रा दिखा देता हूँ तुम लोगों को। MongoDB प्रोजेक्शन लिखूँगा ना मैं, ये देखो इसने इनिशियल लिया ना, ये डेटा डाला है और इसके ऊपर ये प्रोजेक्शन चला के दिखाएगा। इसमें क्या किया, आइटम है, स्टेटस है, साइज है और इन स्टॉक है, चार आइटम है ना इसके अंदर। ये इन्वेंट्री के कलेक्शन में इसने पूरा भर दिया, 8-10 इसने ये कलेक्शन में डेटा डाल दिया, ठीक है। अच्छा ये क्या बोलता है, इन्वेंट्री के ऊपर डॉट फाइंड चलाओ और जिसका स्टेटस ए है वो उठा के लाओ। समझ रहे हो ना क्या क्वेरी चल रही है, ये जिसका स्टेटस ए है वो वाला उठा के लाओ, ठीक है। देखो इसमें किसी में स्टेटस ए है, किसी में स्टेटस डी है, इस तरह, तो ए वाला उठा के लाओ। समझ आ गया, अभी ए वाले में क्या आएगा, एक एरे आएगा जिसमें क्या होगा, ये इतना ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। अब तीन आ जाए, दो आ जाए, चार ऑब्जेक्ट आ जाए, जितना आ जाए, जितना उससे मैच होगा उतना आ जाएगा, ठीक है। उसका साथ में वो भी लिख दिया इन्होंने, सीक्वल की भी लिख दी है, अगर किसी का सीक्वल का बैकग्राउंड है तो उसके लिए। अच्छा फिर इसने क्या लिखा, इसने लिखा भाई, अब देखो फाइंड की क्वेरी अभी भी वही है, स्टेटस ए हो तो लाओ, लेकिन साथ में डॉट प्रोजेक्ट लगा दिए। इसने बोला आइटम वन और स्टेटस वन, इसका मतलब है कि सिर्फ आइटम और स्टेटस चाहिए, कोई तीसरी चीज़ मुझे नहीं चाहिए ये दो के अलावा, ठीक है। तो अब क्या आएगा, अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा मेरे पास, अब एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन उसमें सिर्फ क्या होगा, आइटम और स्टेटस होगा, ये साइज़ और इन स्टॉक उसमें नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। अच्छा ये तो इन्होंने मंगवाया है, अब माइनस करवाने का भी इन्होंने नीचे एग्जांपल बताई हुई कि सप्रेस कहते हैं, वो माइनस करवाने सप्रेस कहते हैं। इसने बोला भाई इस पे इन्वेंट्री पे फाइंड चलाओ, स्टेटस ए है उसको लेकर आओ, और प्रोजेक्शन में क्या लगाया कि आइटम वन, स्टेटस वन और आईडी जीरो, तो आईडी को हटवा दिया। इसने बोला आईडी भी नहीं चाहिए मुझे, तो अब क्या आएगा, ये दो आइटम आएंगे, इसके साथ आईडी भी नहीं आएगा।
सही है। तो इस तरह आप वन या जीरो करके किसी भी फील्ड को मैं लाना या मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस फील्ड को लाओ या नहीं लाओ, इस तरह मैं इसको बता सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इन वेल तो ये प्रोजेक्शन समझ आ गई, ये प्रोजेक्शन की यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा पोस्टमैन से पहले सर्च की क्वेरी को एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा चला के देखता हूँ, फिर जो मेरा फ्रंट एंड पहले से बना हुआ था उसके ऊपर मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। स्लैश एपीआई स्लैश, अच्छा इसको ज़रा चलाएं तो इसमें पोस्ट है कौन कौन सी ये तो पता ही नहीं चल रहा ना अभी हमें, इसको ज़रा चलाएंगे तो पता लगेगा। npm run dev करके मैंने सर्वर चला दिया, और सर्वर चलाने के बाद मैंने क्या कर दिया, cd web में जाके npm start करके मैंने फ्रंट एंड चला दिया। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास पोस्ट इस वक्त मौजूद हैं सारी ना, ठीक है ये सारी पोस्ट इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं अगर लिखता हूँ ना abc लिखता हूँ तो मुझे abc वाला टॉप पे मिलना चाहिए, और तो कोई इस तरह का है नहीं यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ जी, स्लैश ए पी आई स्लैश वी वन और q इक्वल्स टू मैं बोलता हूँ ए बी सी। तो अब देखते हैं ए बी सी में मुझे क्या मिल रहा होता है। अच्छा बेस यू आर एल इस वक्त है 5001, मेरा सर्वर किस पे चल रहा है, फाइव डबल ज़ीरो वन पे चल रहा है। तो आओ सर्च की क्वेरी को एग्जीक्यूट मारते हैं। ठीक है ये सर्च की क्वेरी में मेरे पास डेटा आना शुरू हो गया। अच्छा ये जो स्कोर डिटेल है ना ये किसकी वजह से आ रहा है, ये प्रोजेक्शन जो मैंने नीचे लगाई हुई उसकी वजह से आ रहा है, और यहाँ पे एम्बेडिंग नहीं आ रही है, एम्बेडिंग को क्योंकि मैंने ज़ीरो करवा दिया है। तो ये ए बी सी वाला सबसे टॉप पर आ गया और उसके बाद ये बाकी के ना नीचे आ गया उसके। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सर्च की क्वेरी बिल्कुल सही चलना शुरू हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मेरे फ्रंट एंड के ऊपर आके इसको इम्प्लीमेंट करना है। फ्रंट एंड पे मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा इसको, चलते हैं जी फ्रंट एंड पे वेब, और वेब के अंदर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर पोस्ट और पोस्ट डॉट जे एस एक्स। हाँ ये क्या सीन है, होम पे, अच्छा होम पे, ठीक है जी। अच्छा होम के ऊपर मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है, ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो पहले का बनाया हुआ जो था वो है मेरे पास। अब यहाँ पे मैंने बनाना है एक अदद फॉर्म छोटा सा जिसके ऊपर मैं सर्च की क्वेरी लिख सकूँ ना अपनी। कहाँ पर बना दी जाए वो फॉर्म, मेरा ख्याल है इस ये पोस्ट का जो ये वाला आइटम है ना इसके बाद बनाते हैं इसको। ठीक है इसके बाद बनाते हैं पोस्ट के बाद, और इस तरफ कर देते हैं इसको, आते हैं भाई चलो। ये मेरा फॉर्म है पहला फॉर्म, सॉरी बनाया हुआ था पाइन कोन में। अच्छा आ जाओ यार पाइन कोन वाले से उठा लेते हैं, हाँ सेम चीज़ मैंने बनाई तो है पाइन कोन में, यू आर राइट। ये मैं पाइन कोन वाले में गया, एस आर सी में गया और होम में गया, हाँ ये बनाया हुआ ना मैंने, ये मैंने बनाया हुआ सही है जी। तो ये मेरा फॉर्म आ गया। अच्छा फॉर्म के अलावा मुझे क्या चाहिए था, और इसका सर्च हैंडलर चाहिए ऑब्वियसली, सर्च हैंडलर को भी मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी सर्च हैंडलर आ गया मेरे पास। अच्छा बस ये आई थिंक पूरा हो गया, ये तो स्टेट मैंने कोई नई स्टेट तो इसमें बनाई नहीं है एक्चुअली ना, कोई नई स्टेट तो मैंने इसमें वैसे भी नहीं बनाई है। अच्छा तो ये दो मैंने जो कोड इस्तेमाल किया इसके अंदर पुराने में से कॉपी कर लिया, ये जस्ट अ फॉर्म। ठीक है उसमें इनपुट की टाइप मैंने सर्च लगाई है, प्लेस होल्डर सर्च लगाया है, और अच्छा रेफ एक मैंने बनाया है तो ये रेफ मुझे बनाना होगा एक्चुअली। ठीक है जो रेफ ऊपर हमने बनाया हुआ था पहले उसके अंदर ये रेफ मुझे ऐड करना होगा। ठीक है ये रेफ मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है सर्च इनपुट रेफ, ताकि मैं उसका जो इनपुट है वो उठा सकूँ। अच्छा तो ये मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्म है, सबमिट का बटन प्रेस करूँगा मैं तो ये सर्च हैंडलर चलेगा। सर्च हैंडलर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट मारा हुआ है, इस लोडिंग को ट्रू किया हुआ है जब तक सर्च चल रहा है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ सर्च की API हिट करता हूँ, क्यू इक्वल्स टू करके वो पूरा वैल्यू भेजता हूँ मैं जो सर्च में लिखी है बंदे ने, और रिस्पॉन्स वापस आता है ना जो भी मेरे पास उसको मैं पोस्ट की ही स्टेट में डाल देता हूँ। ये पोस्ट का स्टेट कौन सा वाला है, जो गेट पोस्ट में भी उसी में डलता है। ठीक है जो गेट पोस्ट जब करता हूँ ना मैं रिफ्रेश करता हूँ ये, तो ये गेट पोस्ट चलता है तो ये जिस स्टेट में आता है ना उसी स्टेट में मैंने डाला है इसको। ठीक है तो मतलब यूज़र को मतलब वैसे तो मुझे करना नहीं चाहिए था ये काम,
मुझे एक्चुअली उसके लिए एक अलग कंपोनेंट बनाना चाहिए था जो शायद ओवरले बन के आता उसके ऊपर, और उसमें क्रॉस का बटन भी होता शायद, ठीक है, लेकिन टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसी स्टेट में इसको डाल दिया, ठीक है, क्योंकि असल में तो हम अभी UI तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं वैक्टर सर्च असल में, है ना, API हम सीख रहे हैं असल में अभी फिलहाल। तो आओ यार ज़रा इसको सर्च करके देखते हैं, मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन भी खोल लेता हूँ ताकि मुझे API कॉल में क्या डेटा मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा वो दिखता रहे। यहाँ पे मैं सेम सर्च क्वेरी लगाता हूँ ABC, ठीक है, एंटर। तो ये जी सर्च की रिक्वेस्ट गई और ये जब जवाब आया तो इसमें ABC सब टॉप पर मुझे मिल गया। अच्छा, MongoDB के अंदर क्या है जी, मैं इसको सॉल्ट वगैरह भी कर सकता हूँ, राइट। वैसे तो सर्च करते हुए मुझे सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा सीधा ही उठ के आता है, जो सबसे नियरेस्ट होता है वो सबसे टॉप पे आता है ना। लेकिन वैसे जब करड ऑपरेशन जब मैं कर रहा था पाइन कोन के अंदर, यानी सिंपल जो गेट मुझे करना है, तमाम का तमाम डॉक्यूमेंट गेट करना है, तो उसमें सॉल्ट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, ठीक है, या शायद आ रहा भी होगा तो मुझे पता नहीं लगा, डॉक्यूमेंट मैंने ढूंढा मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन MongoDB में ये वाले मसले नहीं है, MongoDB में सॉल्ट हम कर सकते हैं बड़े आराम से, और इवन उसको रिवर्स वगैरह ये सारे काम भी कर सकते हैं, जो तमाम के तमाम ऑपरेटर हैं ना MongoDB के, वो सारे के सारे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेरिफिकेशन करने के लिए ना, इसकी हम वेरिफिकेशन करने के लिए इसमें हम थोड़ी पोस्ट वगैरह अच्छी वाली ऐड कर लेते हैं। ये पोस्टें मैं डिलीट मार देता हूँ जो उसमें पहले से हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, एक डिलीट नहीं हुई, हाँ हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या लगा देता हूँ, कॉफ़ी विकिपीडिया, ठीक है, ज़रा सर्च करने के लिए। एक मैं जाता हूँ कॉफ़ी के अंदर, ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने यही वाला एक बनाया था, तो अगेन मैं यही वाला बना देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि यार वाई कॉफ़ी मैटर्स, ठीक है, एक आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ काइंड ऑफ, और इसमें मैंने ये डेटा पेस्ट करके और ये आर्टिकल मैंने बना दिया, ठीक है, वाई कॉफ़ी मैटर्स इस तरह करके मैंने बात लिख दी और ये बन के आ गया मेरे पास। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या कर देता हूँ कि एक दो और बना देता हूँ मैं, टॉफ़ी का एक बना देते हैं, ठीक है। टॉफ़ी और कॉफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन इनका जो मेन जो मतलब है वो अलग है, ठीक है, TOFFEE, ठीक है, टॉफ़ी हिस्ट्री मैं लिख रहा हूँ इस पर, और टॉफ़ी हिस्ट्री करके ना एक आर्टिकल में और पोस्ट कर देता हूँ। यार इतना स्लो क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा है, बड़ा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है ना ये। दो सेकंड में जवाब लेकर आया भाई, ये तो बहुत देर लगाई है इसमें। अभी जो पोस्ट मैंने की है वो लास्ट में आया होगा ना, पोस्ट वाला, दो सेकंड में जवाब ला रहा है भाई, बड़ा स्लो जवाब ला रहा है क्या चला रहा है? नहीं तो मतलब समझा नहीं, मैं जवाब नहीं समझा, इंटरनेट नहीं स्लो है भाई, इंटरनेट सही है। अबे नहीं भाई, ओ हाँ हाँ, यहाँ स्लो 3G हुआ है, हाँ तो इसको मैं नो थ्रॉटलिंग कर दे रहा हूँ भाई, कौन इतना देर क्यों लगा रहा है यार, ये पाइन कोन वाली हरकतें तो नहीं शुरू कर दी इन्होंने। अच्छा, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब ये जल्दी हो जाएगा, हाँ नहीं अपसेट हो गया, असल में वो रीज़न यही था कि वो मैंने जैसे ही उसमें डेवलपर ऑप्शन खोला ना तो वो इनेबल हो गया जो मैंने लास्ट इनेबल किया था। अब ये गेट करने वाला कितने में लाया है, ये गेट करने वाला, ठीक है ना, ये मिली सेकंड में लाया है, 600 मिली सेकंड, स्टिल ये ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा इस वजह से क्योंकि मैं लोकल कंप्यूटर से चला रहा हूँ इसको, तो मेरे पास जो इंटरनेट की क्वालिटी है ना यहाँ पे इस बिल्डिंग में वो बहुत मतलब इंटरप्राइज ग्रेड वाली नहीं है, ठीक है, रेजिडेंशियल ग्रेड का इंटरनेट है ये। तो अभी अगर मैं इसको वैसे भी देखूँ ना तो ये क्या इसका पिंग वगैरह, ज़रा स्पीड अलग चीज़ होती है और जो इंटरनेट की क्वालिटी जो है ना वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसमें आपकी लेटेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमारे पास ना 83 MS की लेटेंसी है, हमारे इंटरनेट के सिस्टम के अंदर ये लेटेंसी मौजूद है, ठीक है, ये 1 MS होनी चाहिए,
रेजिडेंशियल इंटरनेट के अंदर ये 1 MS होनी चाहिए अगर अच्छी वाली हो तो। ये अनलोडेड और लोडेड दोनों जो लेटेंसी आ रही है ना वो अच्छी नहीं आ रही, वो बेकार आ रही है बिल्कुल। ये दोनों जो है ना 1 MS होनी चाहिए तब हम बोलेंगे कि यार ये अच्छा रेजिडेंशियल इंटरनेट है। अच्छा, और जो एंटरप्राइज ग्रेड का जो इंटरनेट होता है उसमें और भी पैरामीटर्स होते हैं जो ये हमें बता, अभी वो वाला ऐप नहीं है मेरे पास ना, हमारे पास वो एंटरप्राइज वाले को जो चेक करने के लिए वो दूसरी ऐप होती है, उसके अंदर वो बहुत सारे पैरामीटर्स आ रहे होते हैं, वो कितना दूर है कितना करीब है पता नहीं, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो ये जो लोडेड और अनलोडेड है ना, बस यहाँ तक रेजिडेंशियल इंटरनेट की कहानी ख़त्म है। एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए इतनी ये नॉलेज बहुत है। अच्छा जी, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बना दिया एक टॉफ़ी और एक बना दिया मैंने कॉफ़ी, ठीक है, दो मैंने बना दिए। अच्छा, एक मैं बना देता हूँ। अच्छा, अब मैं अगर सर्च मारता हूँ इसमें और मैं इसमें टी लिख के सर्च मारता हूँ तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा ना उसमें टॉप पे क्या आएगा, कॉफ़ी रिजल्ट आएगा टॉप पे, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो टी से करीब तरीन है सेमेंटिक मीनिंग्स के अंदर, वर्ड को नहीं देखता ये, उसकी सेमेंटिक मीनिंग्स को देख रहा होता है। तो सेमेंटिक मीनिंग में जो कॉफ़ी है वो टी से करीब तरीन है तो कॉफ़ी ऊपर आना चाहिए। ठीक है जी, कॉफ़ी ऊपर आ गया मेरे पास। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैंडी, सही है, तो कैंडी जो है वो टॉफ़ी से करीब तरीन है तो वो मुझे क्या ला के दे देगा, टॉफ़ी ऊपर ला के दे देगा मुझे वो, ठीक है। हालांकि अगर यहाँ पे मेरे पास कॉफ़ी नहीं होता, ठीक है, कॉफ़ी यहाँ पे अगर मेरे पास नहीं होता, या चलो मैं टी यहाँ पे लगाता हूँ, अगर एक टी का भी बना लेता हूँ, ठीक है, टी इज़ वाइटल, मैंने एक आर्टिकल लिख दिया कि जी चाय जो है ना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं अगर लिखता हूँ ना टी, तो चलो टी तो आएगा मेरे पास, लेकिन सेकंड नंबर पे क्या आएगा, स्टिल कॉफ़ी आएगा। मैं टी लिख के सर्च करता हूँ तो पहले नंबर पे तो टी रहेगा लेकिन सेकंड नंबर पे मेरे पास कॉफ़ी आएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं कॉफ़ी लिख के भी सर्च करता हूँ तो पहले नंबर पे कॉफ़ी आएगा और सेकंड नंबर पे टी आ रहा होगा स्टिल, ठीक है, पहले नंबर पे कॉफ़ी आया और सेकंड नंबर पे टी आ रहा होगा, ठीक है। हालांकि कॉफ़ी से मिलता जुलता वर्ड है टॉफ़ी, लेकिन टॉफ़ी उसने दूर कर दिया क्योंकि टॉफ़ी की जो सेमेंटिक मीनिंग है वो कॉफ़ी से इतना ज़्यादा नहीं मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इलॉन मस्क का एक आर्टिकल बना देता हूँ, और इलॉन मस्क का एक आर्टिकल मैं शाया कर देता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें हाँ नहीं नहीं टाइटल और बॉडी दोनों में सर्च कर रहा है ये टाइटल और बॉडी दोनों में सर्च कर रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे बेवरेज है ना, बेवरेज है तो बेवरेज और ड्रिंक ये दोनों करीब तरीन चीज़ है ना। अब ड्रिंक इसमें और तो कहीं नहीं लिखा हुआ, अच्छा बेवरेज वाले में ड्रिंक भी लिखा हुआ है। कोई ऐसा वर्ड बताओ जो बेवरेज और ड्रिंक से मिलता जुलता मतलब हो उसका, हमें सेवरेज तो दूसरा होता है, बेवरेज पीने वाले को कहते हैं, सेवरेज निकालने वाले को कहते हैं। इसमें असल में ये दोनों में सर्च कर रहा है, ठीक है ना, टाइटल में सिर्फ सर्च नहीं कर रहा है ये, क्यों ये दोनों में इसलिए सर्च कर रहा है क्योंकि मैंने जो ट्रिगर लिखा है, मैं अपने ट्रिगर में अगर जाता हूँ और ट्रिगर आपको मैं दिखाऊँ अगर, तो ट्रिगर में मैंने क्या किया है, जो एम्बेडिंग बना के सेव कराता हूँ ना मैं, वो मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, टाइटल और टेक्स्ट को जोड़ के मैं एम्बेडिंग बनाता हूँ, तो वो टेक्स्ट हो या टाइटल हो कहीं पर भी लिखा हुआ उसको वो कंसिडर करेगा, ठीक है। और मैंने उसी पॉइंट पे ये भी बताया था कि अगर मैं चाहूँ कि भाई एक एम्बेडिंग में सिर्फ टाइटल की बना लूँ और एक एम्बेडिंग में सिर्फ टेक्स्ट की बना लूँ तो ये इसमें पॉसिबल है MongoDB में, ठीक है। फिर सर्च करते हुए मेरी मर्ज़ी होगी कि मैं किधर सर्च कराता हूँ, मे बी जब सर्च हिट हो तो मैं दो क्वेरी मारूँ पीछे, मैं एक में बोलूँ टाइटल वाले को सर्च करके लाओ तो शुरू के जो 5 रिजल्ट हों वो टाइटल पर सर्च करके आएगा, फिर बाकी के जो आगे 5-10 रिजल्ट हों वो बॉडी पर सर्च करके आएगा। तो ज़रा मेरे यूज़ केस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमेशा सर्च इंजन में टाइटल का जो प्रेसिडेंस होती है वो होती तो ज़्यादा ही है,
ठीक है, तो मैं ये काम इसमें कर सकता हूँ। अगर मैं अपने ट्रिगर के अंदर जाता हूँ और ट्रिगर के अंदर जाके उसका कोड देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे जब मैंने एम्बेडिंग बनाई है, अरे क्या हो गया, हाँ यहाँ पे देखो, जो मैंने एम्बेडिंग तैयार की है ना, उसमें मैंने क्या भेजा है, टाइटल को और टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट करके भेजा है, और मैंने कहा मॉडल जो है वो एम्बेडिंग एडा टू है, तो इस वजह से वो क्या होगा, जो भी मैं सर्च लिख रहा हूँ वो असल में दोनों के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सर्च क्या हो गया, बिल्कुल सही काम करने लग गया है। तो इसमें कोई सवाल, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? दोबारा मैं एक दफ़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। करड ऑपरेशन मोंगोडीबी का पहले से किया हुआ था हमने, उसी के अंदर आके हमने क्या लगाया, एक ट्रिगर लगाया, जो ट्रिगर क्या करता है, जब भी नया डॉक्यूमेंट ऐड होता है उसकी एम्बेडिंग बना के उसी डॉक्यूमेंट में डाल देता है। ठीक है, अच्छा ये अपडेट पे भी काम करेगा, अगर किसी डॉक्यूमेंट में एम्बेडिंग बन गई एक दफ़ा तो मैं अपडेट करूंगा तो वो पूरा दोबारा चलता है, तो एम्बेडिंग दोबारा बनती है। ठीक है, तो मैंने ट्रिगर लिखा जो क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट की एम्बेडिंग बना के उसी में सेव करा देता है। फिर मैंने क्या बनाया, एक इंडेक्स बनाया मोंगोडीबी एटलस में, और इंडेक्स बनाने के बाद मैं उस इंडेक्स पर सर्च मारता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। ठीक है, मुझे रिजल्ट आ जाता है। तो ये तीन चार स्टेप के अंदर हमने इसको किया है कंप्लीट। अब आप सब लोगों ने भी ये काम क्या करना है, अपने हाथ से करना है। जी, आपने इंडेक्स बनाया था तो जब सर्च मार रहे थे ना तो उसमें ये एरर आ रहा था, एम्बेडिंग इज नॉट इंडेक्स एट KNN, लेकिन मैंने जब जाके इसका सर्च इंडेक्स चेक किया तो सही हो रहा था। मैंने अपना बनाया, मेरे पास प्रॉपर चल रहा है, फुल वेक्टर सर्च हो रहा है सही तरीके से। नहीं, वो KNN जैसे देखो, यहाँ पे जो मैं सर्च में जाता हूँ ना, जब यहाँ से हम इसमें से ही सर्च कर रहे थे अगर जो है ना, तब भी नहीं आ रहा था। आप सर्च पे जाके वो क्यूरी चलाने का ऑप्शन आता है ना, क्यूरी का नीचे साइड में आ रही है क्यूरी। नहीं, इसको मैं वैसे ही अगर सर्च के इंडेक्स के अंदर जाऊँ ना, और इंडेक्स के अंदर जाके जब मैं देखता हूँ यहाँ पे, बल्कि सॉरी एडिट कर लेता हूँ ना मैं इसको, एडिट में वो जेसन एडिटर आ रहा होता है ना, एडिट में जेसन एडिटर, तो क्या एग्जैक्टली यही है आर्टिकल से कॉपी पेस्ट मारे और अपनी एग्जैक्टली यही है? बिल्कुल एग्जैक्टली यही नहीं है, एग्जैक्टली ये है तो फिर तो कोई दूसरा मसला है। हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि जो देखो फील्ड है ना, फील्ड का नाम मेरे केस में एम्बेडिंग है, हमने ये सब सही तो हो सकता है वो फील्ड का नाम उसने गलत लिख दिया हो और वो फील्ड मैच नहीं कर रही हो। भी फील्ड का नाम एम्बेडिंग ही रखा। लैपटॉप है उसके पास अभी? लैपटॉप है, अगर है तो ले आओ, मैं चेक कर लेता हूँ क्या रिपोर्ट है।